हे कैसे हो आप सारे, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं भी किसिंग एक डाइटिशियन, और आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है रियल फूड वर्सेस सप्लीमेंट्स। कौन जीतेगा, कौन बेटर है? तो मैं बिल्कुल क्लियर कट आपका जवाब दे देता हूँ, रियल फूड विल विन एवरी सिंगल टाइम। रियल फूड हमेशा जीतने वाला है सप्लीमेंटेशन के ऊपर। सप्लीमेंटेशन है क्या? दवाइयाँ, वो सच में दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई जा रही दवाइयाँ जो आपको एक बढ़िया चमकीले डब्बे के अंदर बेची जा रही हैं महंगे प्राइस रेंज पे। उसके अंदर आपको मैजिकल वर्ड्स लिख के दिए जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बताया जाता है इसके अंदर इतना ग्राम प्रोटीन है, इसके अंदर इतने सारे मल्टी विटामिन है, इतने सारी सारी चीज़ें, इतनी सारी सारी चीज़ें। आपको पता है कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप फूड लेते हैं, अगर आप अंडा ले रहे हैं, अगर आप दूध पी रहे हैं, अगर आप मक्खन खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप योगर्ट ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपको पता है उसके अंदर से आपको क्या मिलने वाला है, गुड फैट्स, गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन नेचुरल, है ना। और मेरे वो दोस्त, वो लोग जो ये बोलते हैं कि इन चीज़ों के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, वे प्रोटीन के अंदर सप्लीमेंट के अंदर आपको एक स्कूप के अंदर टोटल प्रोटीन मिल जाता है, सारे अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मेरे भाई एक बात समझ लो, आपको नहीं पता उस स्कूप के अंदर सच में कंप्लीट प्रोटीन है या नहीं। फिर आप बोलोगे अच्छा वो तो लैब टेस्टेड भी है, उसके अंदर तो सर्टिफिकेशन भी है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए या जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल और ऑन यूट्यूब अबाउट द अमीनो स्पाइकिंग, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो आपको पागल बनाते हैं, कैसे वो 24 ग्राम 27 ग्राम प्रोटीन दिखा देते हैं और उसके अंदर उतना प्रोटीन होता ही नहीं है, ठीक है। फिर आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, जो ये वे प्रोटीन कंसंट्रेट आप ले रहे हैं या वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हैं, कैसीन ले रहे हैं, मैं सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी BCAA, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, इन सब की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वे प्रोटीन की बात करता हूँ। तो ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट एक्चुअली बनता कहाँ से है आपको पता है? दूध से बनता है। दूध क्या है? नेचुरल फूड सोर्स, ठीक है। अब बोलोगे यार मैं दूध लूँगा तो उसमें मुझे फैट भी मिल जाएगा, तो मार्केट के अंदर लो फैट, ठीक है, 0% फैट वाले दूध भी मिल रहे हैं, मट्ठा पी लीजिए, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, उस बटर मिल्क से बनता है वे प्रोटीन, ठीक है। तो वो तो सिर्फ बहाने आते हैं, और आप बहाने ले लेते हैं कि अब महंगा सप्लीमेंटेशन हो गया है तो मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, अपने आपको मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप 6,000 रुपये जब वे प्रोटीन सप्लीमेंट पर लगाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप दूध पी लीजिए, आप पूरे महीने में 6,000 रुपये का दूध नहीं पी पाएंगे। आप साथ में अंडे भी ले सकते हैं, आप साथ में अच्छी अच्छी सब्जियां, फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप वो उस डब्बे वाले कूड़े को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक बार आप खा के देखिए रियल फूड को इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लीमेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन देम। वो दवाइयां हैं मेरे दोस्त, वो दवाइयां हैं, उन दवाइयों को कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज अ डाइटिशियन आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं अपने हर क्लाइंट को सलाह देता हूँ। आप में से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ घुसा दी गई है ना, ये चीज़ घुसा दी गई है, बिल्कुल आपको ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है कि अगर आपने डब्बा नहीं खाया तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा डब्बे के अंदर कोई ऐसा जादू है, उसके अंदर से वो जिन निकलेगा वो आपकी बॉडी बना देगा, बाकी आप खाने से तो बॉडी बना ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर वो जादू है जो बॉडी बना रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद रियल फूड से ही बनते हैं, उसके बाद उसके अंदर वो मिनरल्स मिला देते हैं, फ्लेवर्स मिला देते हैं, प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, कलर मिला देते हैं, और पता नहीं कितनी दवाइयाँ मिलाते हैं। अब बात करूँ BCAA, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन और दुनिया भर के उनके पास जो सप्लीमेंट्स हैं वो तो रियल फूड से भी नहीं बनाते, वो तो सीधा सीधा फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं। अभी अनफ्लेवर्ड खा के देख लेना उनको, पता चल जाएगा उसके अंदर कितनी ज़्यादा स्मेल आती है, बिल्कुल ऐसा लगे कि गोलियाँ पीस के खिला दी हूँ, ठीक है। और आपको लगता है कि दवाइयाँ खा कर आप बॉडी बना सकते हैं, तो आपके अंदर और स्टेरॉयड लेने वाले एथलीट के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप कभी भी वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मेंटली आप उसके अंदर इवॉल्व हो चुके हैं, और फिर सोचते हैं कि ख़राब सप्लीमेंट ना मिल जाए, फेक सप्लीमेंट ना मिल जाए, कि ये सप्लीमेंट मुझ पर काम नहीं कर रहा, मुझ में कोई कमी है, और आप क्या सोचते हैं, आप पूरी तरह से उस डब्बे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं ठीक से, आप ठीक से अपनी फूड पे, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि डाइट 70%, ठीक है, डाइट होती है 70%, अगर आप एक अच्छी बॉडी अचीव करना चाहते हैं फिटनेस गोल्स के लिए 80% काम करती है आपकी डाइट, बाकी 80% या 70% काम करती है, बाकी 30-20% आपकी सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट है,
आप अपने वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने अपने फूड पे ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि आपको लगता है कि आप तो डब्बा खा रहे ना जादू वाला, तो जादू वाले डब्बे से होगा जो जादू होगा, जो खाना मैं खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जादू वाला डब्बा तो चल ही रहा है। उस जादू वाला डब्बा ना आपकी जेब के पैसे ऐसे गायब कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा, आपकी हेल्थ ले जाएगा वो साथ में, आपको बीमार कर देगा। अगर एक बार भी खराब सप्लीमेंट के चपेट में आ गए ना, तो एक बार ही काफ़ी है आपकी पूरी हेल्थ को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, आपको मेंटली तो बर्बाद कर ही चुके हैं वो, क्योंकि आप तो डिपेंड हो चुके हैं उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन वो आपको हेल्थ वाइज भी ख़राब कर देंगे अगर आप आज नहीं माने तो। जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर फेक सप्लीमेंटेशन आ रहा है, जिस तरह से अमीनो स्पाइकिंग चल रही है, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल्स वाले झूठे लेबल्स लगा लगा के झूठी चीज़ें आपको अंदर बेच रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल 1200 रुपये के अंदर वे प्रोटीन मिल रहा है, 1400 रुपये के अंदर वे प्रोटीन मिल रहा है, 800 रुपये के अंदर वे प्रोटीन मिल रहा है, 600 रुपये के अंदर वे प्रोटीन मिल रहा है। भाई आपको पता है एक 2.5 किलो वे प्रोटीन बनाने के लिए 86 to 87 लीटर बटर मिल्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब 86 से 87 लीटर छाछ या जिसे आप मट्ठा बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है 2.5 किलो वे प्रोटीन बनाने के लिए। फिर उसके बाद पैक करना होता है, उसके अंदर उनको प्रिजर्वेटिव मिलाने होते हैं, कलर मिलाने होते हैं, मार्केटिंग करनी होती है। 800 रुपये के अंदर कैसे बन रहा है भाई, मेरे घर के अंदर तो बन नहीं सकता अगर मैं नेचुरल तरीके से ही बनाने की कोशिश करूँ तो। इतना सस्ता तो दूध नहीं है भाई, इतना सस्ता हुआ दूध नहीं आ रहा, तो फिर इतना सस्ता कैसे बना सकते हैं वो? फिर वो बाकी कंपनियां पागल हैं क्या? वो जो अच्छी इंटरनेशनल टाइप कंपनियां हैं जो कि 6000 रुपये में दे रही हैं, वही चीज़ हमारे 800 रुपये में मिल रही है इंडिया के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर ना इतने लोग बीमार होने वाले हैं और आपका ध्यान नहीं जाता उस तरफ। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, डाइटिशियन से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आए दिन जिम वाले लोगों के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि ये सप्लीमेंटेशन खा के इसकी किडनीज फेल हो गई, इसका लीवर ख़राब हो गया, इसका डाइजेशन ख़राब हो चुका है, इसकी हड्डियाँ गल चुकी हैं। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कितने भयंकर परिणाम हैं इसके। अपनी हेल्थ के साथ मत खेलिए, डोंट गो फॉर दिस डब्बाज। अगर आपको सच में बॉडी अचीव करनी है तो इन डब्बों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपकी बॉडी नहीं बनाएंगे, आप ही बनाओगे, आप ही मेहनत करके उस बॉडी को बनाओगे। तो गो फॉर फूड, रियल फूड, अच्छे खाने को खाइए। आपको पता है उस खाने के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता उस डब्बे के अंदर आपको क्या मिलेगा। क्या पता वो एक बीमारी का डब्बा हो आपके लिए, हो सकता है आप गलती से एक फेक सप्लीमेंट ले आएँ, हो सकता है कुछ गलत चीज़ें ले लें आप, और एक बार आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपकी सारी गोल ख़राब हो जाएंगे, आपके सारे ड्रीम्स ख़राब हो जाएंगे। आपको पता है अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिटनेस तो छोड़िए, आप अपने लाइफ के छोटे छोटे गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी खुशियाँ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप अपना बर्थडे कैसे एंजॉय करेंगे, पार्टीज़ कैसे एंजॉय करेंगे, आप डेली लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से बचिए, अपने आप को अपना दिमाग निकाल दीजिए। गूगल पर एक बार, मेरी बात नहीं माननी तो गूगल पर इसके साइड इफ़ेक्ट सर्च कर लीजिए और रियलिटी आपको पता चल जाएगी कि हमारे इंडिया के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे पता है आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं कि मैं लंबी वीडियोस बनाऊं, लेकिन बस मैं चाह रहा था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिथ आजकल फैल चुकी है। मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के अंदर देख रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स में देख रहा हूँ, सबका माइंड सेटअप यही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका माइंड सेटअप बदले, और जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो फिज़िकली हैं मेरे साथ, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, समझाता हूँ कि भाई डोंट गो फॉर द सप्लीमेंटेशन, गो फॉर द फूड। खाने पर जाओ, जो आप खाओगे आपको पता है आप क्या खा रहे हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो नेचुरल है, आपके पैसे भी इतने खर्च नहीं होंगे। ठीक है, एक बैलेंस डाइट लीजिए। ठीक है, हेल्दी रहिए, हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, सॉरी इतना मैंने पका दिया आपको, बस चाह थोड़ा सा पर्सनल होकर बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, बस मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स का व्यू क्या है मेरी वीडियोस को लेके, मेरे जो मेरे थॉट्स हैं उनको लेके। कोई कमेंट है वीडियो को लेके, कोई डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फ्यूचर टॉपिक कवर कराना चाहते हैं, गो डाउन इन कमेंट सेक्शन, कमेंट देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी को सॉल्व करूँ, मोस्ट ऑफ हो सकता है कि वीडियो के द्वारा ही सॉल्व करूँ। आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा, बीच में थोड़ा गायब था, कहीं गया हुआ था। थैंक फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इतनी लंबी वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए थैंक यू, आपने अपने इंपॉर्टेंट में टाइम दिया मुझे। और प्लीज़ अगर अगर पहली बार आए हैं वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट, बस मुझे सब्सक्राइब करवाना है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।